नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर मधेपुरा से है, जहां सदर प्रखंड की सावगढ़ दीवानी टोला में शौच करने गए एक युवक की करंट प्रवाहित तार के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों एवं परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल के सामने और कॉलेज चौक पर रोड जाम कर यातायात ठप कर दिया। साथ ही मृतक के परिजनों ने युवक की मौत को लेकर बिजली विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। मृतक के पिता कृष्ण नारायण यादव ने बताया कि उनका पुत्र अजय यादव सोमवार को अहले सुबह शौच के लिए बहियार की ओर जा रहा था। इसी दौरान 15 दिनों से टूटे हुए बिजली के पोल के करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से वो झुलस गया। आनन फानन में उसे लेकर सभी सदर अस्पताल आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे मृतक के परिजन और गाँव के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और दोपहर लगभग 12 बजे लोगों ने मृतक अजय के शव को सदर अस्पताल के सामने रखकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही लोगों ने कॉलेज चौक के पास NH 106 को भी जाम कर दिया। पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार यादव ने बताया कि लगभग 10-15 दिन पूर्व ही एक ट्रैक्टर से धक्का लगने के कारण पोल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग को कई बार इसे ठीक करने को कहा, लेकिन बिजली विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण से टूटे हुए पोल के तार से करंट प्रवाहित हो रहा था। बिजली विभाग की लापरवाही से अजय की मौत हुई। उन्होंने पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। ये कैसे घटना हुआ? घटना सुबह में जो है ना, कब सवेरे लैट्रिन गया था, वहाँ तार गिरल था, उस पर पैर पड़ गया। उसके बाद वहाँ सुबह में उतना सवेरे कोई था नहीं, जब तक आदमी को जानकार हुआ गया तो देखे मतलब गिरल था, तब उसको उठा के लाए, तब तक मैं दम तोड़ दिया हॉस्पिटल उठा के। उसके बाद वहाँ से का कौन था वो? मेरा भाई था छोटा। क्या नाम था उसका? उसका अजय कुमार। घर? सावगढ़ 1। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। बोले रहा बाबा, लैट्रिन हुआ 3-4 बजे निकलल है, वही रोडे पर मेने रोड पर तार गिरल है, वही में सटलै पर से अभी ला गए गाड़ी से ले ताब में हॉस्पिटल, मौत कल के मर गया। की नाम रही है? अजय कुमार। घर? सावगढ़। कौन सा वार्ड? 13। की मांग करे छे? मांग की करे छे कि एकरा की के सोहगर के लोगे के बिजली विभाग के लोग मार दिए, ठीक छ। हादसा बन जो बार बार 15 दिन पहले भैंस मरले या 4 बजे भोर हमर भाय जा रे लैट्रिन करे ला उमर गेले। से घटना बन रहा? घटना सर 4 बजे भोर सवेरे ही जे लैट्रिन करे ले निकलल है, 4:30 बजे हम खेत पटवे जे निकलल है, आधा घंटा पहले ही रोड पर जे रोड कता में घोलटल है। ई केना भेल? जब है आ जबे ओकर नाम अजरिए उठबै छियै तो मोर बगल में हमू सट जतिए लाइन में, तू तो भाग भले कि हम देख गेलिए रोशनी बारे के बाद। कहाँ घर रहकर? सोहगर। की नाम रही? अजय कुमार। अहाँ के की नाम छे? सिंटू कुमार। सुबह सुबह जो है ना, सुबह में लगभग 3:30-4 बजे ये शौचालय के लिए निकला, उसी क्रम में कोई तार बिजली का टूट के नीचे जमीन पे लटका हुआ था, जिसे ये नहीं देख पाया, उस पर इसका पैर पड़ गया, जिस वजह से इसका क्यों हो गया। तो फिलहाल उस समय इसको लेके आया गया अस्पताल ये, और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये मृत घोषित कर दिया गया। तो फिर रोड जाम किया गया है। तो इन लोगों का मांग है, ग्रामीणों का मांग है कि बिजली के लापरवाही के कारण जो है मृत्यु हुआ है, हादसा हुआ है, तो बिजली विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इसको, कुछ गरीब आदमी है, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। प्रशासन से हम मुआवजा का मांग करते हैं, इसी वजह से ये लोग मुआवजा के मांग है तो जो है जाम किया। इस बात की हम सूचना मधेपुरा सदर CO साहब, BDO मैडम, थाना अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव सर, जेई सर, सारे ऑफिसर को, पदाधिकारी को हम अपने स्तर से दे चुके हैं। परिचय? मुकेश कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत सौगढ़ 2।